छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिला में हुई दो समुदायों के बीच विवाद को ध्यान में रखते हुए जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनी रहे और जिले में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव और आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर ने जिले में धारा 144 एक के तहत किसी भी प्रकार की सभा, धरना, रैली और जुलूस के आयोजन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 जिला महासमुंद के संपूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र यानी महासमुंद, तुमगांव, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली के अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ करना या घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस धारा के लगने से कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं और ना ही घूम सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ना तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकल सकता है। आपको बता दें कि आदेश शासकीय अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 4381 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 326 नए केस मिले हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 994 हो चुकी है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 7.44% पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा रायपुर में 44 नए केस मिले हैं, तो वहीं राजनांदगांव में 31, दुर्ग में 29, कांकेर जिले में 24, धमतरी में 22, बीजापुर में 21, बिलासपुर में 20, सूरजपुर में 20, सरगुजा में 14, महासमुंद में 12, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 11, दंतेवाड़ा में 11, रायगढ़ में 10, कोरबा में 9, गरियाबंद में 9 केस, जांजगीर चापा में 8 केस और बेमेतरा में 8 केस। इसके साथ ही बलौदाबाजार में 7 केस, बालोद में 7 मरीज, कोरिया में भी 7 मरीज और नारायणपुर और बलरामपुर से 1-1 मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में अब मॉकड्रिल किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एंटीबायोटिक्स का तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संदेह ना हो। इस बात की संभावना रखनी चाहिए कि कोरोना की बजाय दूसरे मौसमी बुखार भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड के बढ़ते मामलों के पीछे नया XBB.1.16 वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड से जुड़े सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द से जल्द ये डोज लेनी चाहिए। अगर सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार और 5 दिन से ज्यादा की गहरी खांसी हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। तो खबर विभाग भी आपसे यही अपील करता है कि आप इन गाइडलाइंस का पालन करें और कोविड से जुड़ी खबरों के लिए खबर विभाग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।